चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस कर दो, और ताकि लेटेस्ट वीडियो सब को देखने को मिले। तो ये कुछ दिन पहले की बात है, मैं कौन सी मूवी देखने गया था, मैं भेड़िया देखने गया था। तो उस टाइम पे जो थिएटर के जो ओनर्स एंड ऑल जो रेगुलेटर्स होते हैं, जो मतलब लाइक जो स्क्रीन्स में मूवीज दिखाते हैं, वो ऊपर बैठते हैं। तो मैं वीडियो डाला है साइड में देख लो, तो मैं ऊपर ही जो मेरा टॉप सीट होता है तो मैं उधर ही बैठा था, और मैं अकेला ही बैठा था। तो लाइक थिएटर में ज़्यादा कोई थे लोग थे भी नहीं। ही वॉज आस्किंग अस कि ट्रेलर वगैरह कुछ चलाऊं। तो उस टाइम मैंने उस बंदे से पूछा था कि ब्रो पठान का टीज़र है क्या, वो चलाओ ना, तो मैं रिकॉर्ड भी कर सकता हूँ यूट्यूब। एंड यहाँ पे लगभग 10% 15% लोग जो ऐसे हैं जो नहीं भी जानते हुए लोग हैं, उनको पता है मेरा यूट्यूब चैनल है। तो ही जस्ट सेड कि मतलब आप रिकॉर्ड करके डालोगे क्या, मैं बोला। तो उन्होंने कहा कि ब्रो द थिंग इज़ पठान का वो जो प्रिंट है, टीज़र प्रिंट है, वो यहाँ पर नहीं आया, मतलब मेरे जो स्टेट पर नहीं आया, उन लोगों ने अभी तक लिया नहीं। दे सेड ये हम लोग अवतार के टाइम पे लेने वाले हैं, क्योंकि उसी टाइम पे वो प्रिंट अटैच करके वो लोग देने वाले हैं। तो मैंने उस बात को उतनी सीरियस ली नहीं उस वक्त, और मैंने मतलब मैंने उसका वीडियो भी नहीं बनाया। लेकिन आज इट्स कन्फर्म्ड कि अवतार के प्रिंट के साथ पठान की टीज़र अटैच होगी। इवन शहजादा का जो टीज़र है उसका भी प्रिंट अटैच होगा, विद दैट पठान का भी टीज़र का प्रिंट अटैच होगा। और वो दोनों के दोनों टीज़र्स, मोस्टली मैं आई एम टॉकिंग अबाउट पठान, वो प्रिंट अवतार की जो हिंदी बेल्ट के जो स्क्रीनिंग्स हैं वहाँ पर दिखाए जाएंगे। तो दैट मीन्स ही वॉज राइट। और आज मैं मेरा शाम का शो है अवतार का, और मैं फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस करूँगा पठान का टीज़र थिएटर में, बिकॉज बहुत से दोस्तों ने मेरे को मेरे जो दोस्त है उन लोगों ने पठान का टीज़र थिएटर में देखा, एंड आई वॉज द वन जो अभी तक मैंने वो टीज़र मैंने पठान के टीज़र आने के बाद 4 से 5 फिल्में देखी, और उसमें से तो 2 फिल्में सिर्फ इसीलिए देखी था कि मैं मुझे वो टीज़र एक्सपीरियंस करने को मिले, लेकिन नहीं हुआ। एंड वॉट ही सेट 1 month before और वो आज कन्फर्म्ड हो चुका है, दैट मीन्स ही इज़ राइट। मेरे को बाकी स्टेट्स और सेंटर्स का पता नहीं कि वहाँ पर दिखाया जाएगा नहीं, बट यहाँ पे कन्फर्म्ड है आज शाम को मेरे को देखने मिलेगा। तो इससे ये है कि वायर ऑफ प्रमोशन के मामले में, आई डोंट नो ये वायर ऑफ का काम है कि कौन है, लेकिन व्हाट वी वर एक्सपेक्टिंग इस बहुत ज़्यादा अंडर एस्टिमेट किया था सब ने। प्लस एक और चीज़ थी कि उन लोगों ने लेट तो किया था, लेट किया है ऑब्वियसली, कंटेंट्स रिलीज करने में लेट किया, लेकिन अदर देन दैट देर आए दुरुस्त आए। प्रमोशनल के मामले में फाड़ते जा रही है फिल्म, फाड़ते जा रही है फीफा वर्ल्ड कप की कल फाइनल में, और अभी अवतार जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी फिल्म है, जो BNC सेंटर्स के सारे टिकट्स बुक हो गए, और आज एक दिन का कलेक्शन कम से कम 35 से 40 करोड़ पार होने वाला है ऑल ओवर इंडिया नेट कलेक्शंस। तो उस सेंटर्स में जब पठान का टीज़र अटैच होकर लगा जाए, कितने लोग को पता चलेगा भाई, और वो टीज़र का जो नंबर ऑफ़ व्यूज़ है वो ग्रेजुअली ब्लास्ट हो रहे, मोर देन 52 मिलियन व्यूज़ समथिंग हो चुका है वो। मैंने एक्सपेक्ट किया था कि टोटल 48 मिलियन व्यूज़ होंगे या 50 मिलियन व्यूज़ होंगे ये, लेकिन आराम से 70 मिलियन व्यूज़ कर देगी, बिकॉज अभी जो ये जो फ्री का फोकट का प्रमोशन मिल रहा है गधेड़ों के दिमाग गोबर खाने वाले गैंग से, मस्त जा रहा है, सब कुछ मस्त जा रहा है। तो वेट एंड वॉच, और अवतार 2 जाकर देखो, लाइक बढ़िया मूवी होगी, प्लस उसके साथ कुछ और एक्सपीरियंस को भी देखने को मिलेगा इफ़ यू आर SRKian। मैं तो जा रहा हूँ, मैं तो अवतार ऑब्वियसली मूवी के लिए जा रहा हूँ, लेकिन उसके साथ साथ मुझे ये कन्फर्मेशन हो गया है कि वो प्रिंट अटैच होने वाला है। तो ऑल ओवर इंडिया आज कितने लोग वो टीज़र देखेंगे, एंड कितनी प्रमोशन और कितनी हाइप डबल ट्रिपल ट्रिपल इंक्रीज होगी, सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ पर डिपेंड करता है, कंटेंट सही होनी चाहिए भाई मूवी की। एक दिन Day 1 का कलेक्शन 50 करोड़ के नीचे हो, 50 करोड़ होने से कोई भी नहीं रोक सकता, एटलीस्ट मिनिमम 45 करोड़ तो साइन सील एंड डन समझो। अगर फिल्म में दम हुई तो भाई, थोड़ी सी भी दम हुई, 50% भी दम हुई, वॉर जैसी फिल्म भी अगर निकलती है तो मिलते हैं अपने अगली वीडियो के साथ। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, लाइक करो वीडियो को।